हुआ एक और हादसा, फिर गई कई जाने। एक के बाद एक हादसे के बावजूद भारतीय रेलवे ने अब तक कोई सबक नहीं लिया। यात्रियों की सुखद और मंगलमय यात्रा की दुहाई देने वाली भारतीय रेलवे पर मौत की रेलगाड़ी होने के कई बार कलंक लग चुके हैं, लेकिन आलम वही। बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर हुबली बेंगलुरु हापी एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकरा जाने से करीब 16 यात्रियों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रेलवे के मुताबिक हादसा करीब 7:30 बजे हुआ, जब हापी एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई। टक्कर की वजह से एक SLR और 2 सामान्य डिब्बे पटरी से उतर गए। एक डिब्बे में आग भी लग गई। हादसे की वजह ट्रेन ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में इंजन की तरफ से पहली और तीसरी बोगी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। घायल यात्रियों को पेनागोंडा और अनंतपुर के अस्पताल में भेजा गया। रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और हादसे में जिन लोगों की मौत हो गई है के परिजनों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, अनंतपुर।